कान्हा जी के लिए एक स्पेशल ड्रेस बनाना कि किस तरीके से ये बनेगी, तो उसके लिए ये देखिए मेरे पास ये दो रेड कलर के गोले हैं जो कि दो ही लगेंगे, और एक येलो कलर है, और देखिए जो मेरा तीसरा कलर है वो ग्रीन कलर होगा। तो इस तरीके से हम तीन कलर से बनाएंगे, और गोले हमें दो ही चाहिए रेड के। वो किस लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको आगे पता चलेगा कि ड्रेस में हम किस तरीके से दो गोले यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रेस। देखिए ड्रेस बनाने के लिए मैंने इसमें ये तीन कलर से ये फंदे डाले हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कितने फंदे मैंने इसमें डाले हैं। सबसे पहले मैंने 2, 4, 6, 8 फंदे मैंने रेड कलर से डाले हैं, उसके बाद में फिर येलो कलर से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे मैंने येलो कलर से, और देखिए फिर तीन फंदे मैंने फिर से रेड कलर से लिए, 1, 2, 3 फंदे लिए। तो अब देखिए सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ इसमें यूज की हैं। स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला फंदा मैं इसी तरीके से उतार लूंगी इसमें इस तरीके से, और इसे हम नेक्स्ट फंदे को उल्टा बनाएंगे इस तरीके से, नेक्स्ट भी हम उल्टा बना देंगे। तो तीनों फंदे हमारे उल्टे हुए, तो देखिए ये हमारा एकदम अलग हो गया। अब हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे ये देखिए, इस तरीके से ये रेड कलर के फंदे को उनको हम इधर ट्विस्ट करेंगे और इधर लेकर आएंगे, ये देखिए इस तरीके से ऊपर लाएंगे, और नीचे से येलो कलर के फंदे को हम उल्टा बना देंगे। तो ये हमारी इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगी, हमारा एक हो गया। अब हमारे पास 16 फंदे येलो कलर के, 16 भी हम उल्टे बना लेंगे। उल्टे बनाने के बाद देखिए अब ये मेरा अलग हो गया। आप देखिए इसे ज्वाइन करने के लिए इसमें मैं इस तरीके से सिलाई डालूंगी, येलो कलर को रेड कलर के धागे के ऊपर लेकर आऊंगी, और इस तरीके से इसको भी मैं उल्टा करूंगी। सारी जितने भी धागे तीनों कलर मेरे इधर ये ज्वाइन हो गए एक दूसरे में। अब देखिए मैं राइट साइड करूं तो राइट साइड पर एक फंदा मैं इस तरीके से लूंगी, उल्टा ही उतारूंगी, एक जितने भी हमारे फंदे हैं हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। और ये जो हमारा रेड कलर का धागा है इसको हम पीछे डाल देंगे इस तरीके से, और अब इससे इसको येलो को येलो धागे से बनाएंगे। उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। 16 फंदा है, 16 फंदे हमने तरीके से उल्टा बना लेने हैं। अब देखिए और ये दूसरा कलर आ गया मेरा जो रेड कलर है। अब इस धागे को हम बैक साइड में कर देंगे इस तरीके से, और ऐसे सिलाई डालेंगे, और जो हमारे 6 फंदे हैं उनको भी हम उल्टा बना लेंगे, सॉरी 3 फंदे हैं, 3 फंदों को हम उल्टा कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमें एक उल्टी और एक सीधी दो सिलाइयाँ और उतारनी है, तो हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई। देखिए 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी दूसरी साइड पर हूँ, दूसरी साइड पर ये मेरा धागा इधर ही रहेगा रेड, और देखिए जो येलो कलर का धागा है वो पीछे रहेगा। अब हमें यहाँ एक फंदा अपना इंक्रीज करना है, बढ़ाना है एक फंदा। तो हम किस तरीके से बढ़ाएंगे, देखिए धागा हमारा पीछे है, और इस तरीके से उल्टा बनाते हुए हम पीछे से इसको बना देंगे। तो हमारा एक फंदा यहाँ इंक्रीज हो गया, मतलब हमारा एक फंदा इधर बढ़ गया। 6 फंदे में रेड कलर से बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदे बनाए, 2 फंदे फिर मैं येलो कलर से बनाऊंगी तरीके से, देखिए 2 फंदे फिर से मैं रेड कलर से बनाऊंगी, 1 और 2 फिर से 5 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे रेड कलर। अब
इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे धागे को और एक दो तीन चार पांच छह, एक फंदा मेरा इसमें एक्स्ट्रा है तो मैं इसको इधर ही कटा दूंगी। मैंने फंदा कटाया नहीं है तो उसको मैंने ऐसे ही बना लिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फंदा अगर मेरा एक्स्ट्रा है भी इसमें, ठीक है। अब देखिए ये हमारे दो फंदे हैं, सॉरी इनको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे ही अपने वर्क को टर्न कर लेंगे इस तरीके से। वर्क को टर्न करने के बाद में धागा आगे लेकर आएंगे और जितने हमारे फंदे, जैसे दो फंदे हमारे रेड के, हम दो से बनाएंगे इन्हें, सॉरी रेड से बनाएंगे, और दो येल्लो के हैं तो इन्हें येल्लो से, और जो हमारे रेड के हैं रेड से, और जो येल्लो के येल्लो से। तो हमें पूरी सिलाई उल्टी इसी तरीके से करनी है, एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से। धागे को आगे लेकर आएंगे और इस धागे को पीछे डालेंगे क्योंकि हमारी राइट साइड है, एक दो तीन चार इस तरीके से। देखिए इसको मैं फिर से पीछे कर दूंगी। अब ये जो हमारा रेड कलर है दूसरा है उसको ढा कर लेके आऊंगी अपनी तरफ। ये दो फंदे इस तरीके से, येलो है येलो को ऐसे लेकर आएंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे। इस धागे को पीछे डाल देंगे और येलो कलर से दो फंदे उल्टे बना देंगे। फिर से इसको पीछे कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच छह फंदे रेड के करेंगे और रेड कलर को पीछे कर देंगे, येलो को आगे लाएंगे और दो फंदे इसको पीछे कर देंगे इस तरीके से। इसको तीन फंदे हम रेड से बना देंगे। देखिए अपने वर्क के हम दूसरी साइड में आ गए हैं। दूसरी साइड में क्या करना है, एक फंदा हमें उल्टा बनाना है रेड कलर का, दूसरा फिर उल्टा बनाना है, तीसरा फिर से उल्टा बनाना है इस तरीके से। और ट्विस्ट करेंगे हम धागे को इस तरीके से। देखिए अगर ट्विस्ट करना हम भूल जाते हैं तो हमारा फिर ये जो कलर है वो ज्वाइंट नहीं होगा और ये हमारी डिजाइन खुल जाएगी। इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे धागे को और ऐसे ये जाली बना देंगे। तो एक हमारा फंदा और यहाँ बढ़ गया इस तरीके से, तीन हो गए। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब हमारे जितने फंदे जिस कलर के हैं हमें सारे फंदे उसी कलर से बनाते हुए जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें करना क्या है, पिछली बार जब हमने किया था तो हमने दो फंदे छोड़े थे बिना बने लास्ट में, अब की बार हम यहाँ चार फंदे छोड़ेंगे। इस तरीके से वर्क को टर्न करेंगे और धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे जितने फंदे जिस कलर के हैं हमें सारे फंदे उसी कलर से बनाते हुए जाना है क्योंकि हमारी ये राइट साइड है। अब देखिए दूसरी साइड में ना, दूसरी साइड में एक फंदा उल्टा बनाएंगे रेड कलर का इस तरीके से, दूसरा बनाएंगे और ये तीसरा। ट्विस्ट करेंगे धागे को और इस तरीके से पीछे लेकर जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ एक फंदा इंक्रीज करना है। जाली नहीं बनानी है, सिर्फ फंदा बढ़ाना है। तो ये हमारे दो फंदे हो गए, इनको छोड़ देंगे। अब इस एक, अभी देखिए एक दो तीन चार, यहाँ दो चार छह, छह फंदे हमारे येलो कलर के हो गए। छह फंदे हो गए, दो चार, अभी दो फंदे और बने तो टोटल हमारे आठ फंदे हो गए इस तरीके से। ये देखिए एक हमारा जाली का फंदा था जो हमने बढ़ाया था, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हमारे आठ फंदे हो गए। अब देखिए रेड कलर आगे लेकर आऊंगी इस तरीके से और दो फंदे रेड कलर के बनाऊंगी, दो फंदे येलो कलर से बनाऊंगी इस तरीके से और दो फंदे फिर से रेड के और पांच फंदे येलो से, तीन चार पाँच। हमने पिछली बार क्या किया था, दो चार, चार फंदे हमने छोड़े थे। अब जितने हमारे फंदे बचे हम बाकी फंदे ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, हम इनको बनाएंगे नहीं और इस तरीके से साइड में
तो देखिए हम इसकी दूसरी साइड में हैं। दूसरी साइड में आने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ जितने फंदे हैं रेड कलर के, वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे और धागे को येलो कलर के धागे को आगे लेकर आएंगे। और देखिए जितने फंदे हमारे जिस कलर के उनके जितने फंदे हम सारे फंदे उसी कलर से उसको उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरीके से। छोड़ूंगी मैं इधर और जो दूसरे कलर का धागा है रेड कलर का उसको मैं उल्टा ही बना लूंगी। फंदे हैं हमारे येलो कलर के हम सारे बना लेंगे येलो कलर से। एक बार बीच में ट्विस्ट कर लेंगे रेड कलर से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारा धागा ज्यादा लंबा हो जाएगा। सारे फंदे उल्टे बनाऊंगी और जो मेरा लास्ट का फंदा है बस उसको मैं सीधा बनाऊंगी। इस तरीके से रेड कलर को आगे लेकर आएंगे और एक दो, और जो मेरा लास्ट का फंदा है उसको मैं सीधा। अब देखिए हम इसके रॉन्ग साइड पर हैं, जो दूसरी साइड स्वेटर का सॉरी हमारी ड्रेस का उसके दूसरी साइड पर है, तो उसमें देखिए तीन फंदे मैं रेड कलर से बना लूंगी इस तरीके से। और इस तरीके से धागे को ट्विस्ट करेंगे और येलो कलर का धागा मैं उसको पीछे लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक फंदा इधर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है एक फंदा, तो इस तरीके से एक फंदा मैं इधर बढ़ा दूंगी। और जितने फंदे हैं सारे फंदे मैं अपने येलो कलर से बना लूंगी, क्योंकि मेरे सारे फंदे येलो कलर के। दो फंदे रेड के हैं तो उसे रेड से बनाऊंगी। येलो के हैं उन्हें येलो से बनाऊंगी इस तरीके से। और देखिए रेड कलर रेड से बनेगा। और इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक दो तीन, तीन फंदे मैं येलो के बनाऊंगी, दो फंदे मैं इधर छोड़ दूंगी ऐसे ही। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और जिस कलर के हमारे जितने फंदे हैं उसी कलर से बनाते हुए हम उसको कंप्लीट। देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं देखिए दूसरी साइड पर हूँ, तो तीन फंदे रेड कलर से बना लूँ, एक दो तीन, तीन फंदे रेड कलर से बनाए। देखिए धागे को इधर लेकर आऊंगी क्योंकि मुझे ट्विस्ट करना है, इसको पीछे लेकर जाऊंगी और मुझे यहाँ एक फंदा बढ़ाना भी है, तो इस तरीके से बिना जाली डालते हुए हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। दो फंदे हो गए, तीन चार पाँच छः, तो टोटल हमारे छह फंदे हो गए इधर। चार फंदे मैंने बनाए और एक फंदा मेरे पास पहले से था और एक फंदा मेरा बढ़ा हुआ है, तो छह फंदे हैं। अब देखिए आगे जो रेड कलर से मैं बनाऊंगी, टोटल मुझे दस फंदे रेड कलर से बनाने हैं। ये देखिए एक दो तीन चार, साथ साथ मैं अपने येलो कलर को साथ में लेती आऊंगी क्योंकि मुझे आगे भी एक फंदा बनाना है। पाँच छ सात आठ नौ दस, दस फंदे मेरे रेड कलर के हो गए। और देखिए एक फंदा मैं येलो कलर से बनाऊंगी। देखिए पिछली बार मैंने दो फंदे छोड़े थे, दो फंदे अब की बार फिर से छोड़ दूंगी। और इस तरीके से टर्न करेंगे, दूसरी साइड में आएंगे और अब देखिए जितने फंदे हमारे जिस कलर के हैं उसी कलर से हम उन्हें उल्टे उल्टे बना देंगे और जो हमारा लास्ट का ये फंदा है उसे हम सीधा बना देंगे। मैं इसको कंप्लीट करके आऊंगी, कंप्लीट करके मैं अपने दूसरी साइड में आ गई। दूसरी साइड में क्या करना है, तीन फंदे हैं जो हमारे उल्टे हैं वो उल्टे ही बनेंगे इस तरीके से। और धागे को ट्विस्ट करेंगे, पीछे लेकर जाएंगे क्योंकि हमें एक फंदा इंक्रीज करना है इस तरीके से। ये बढ़ जाएगा, तीन चार पाँच छ सात, ये सात फंदे हमारे हो गए, सेवन फंदे हैं। बाकी हमारे जो टोटल दस फंदे हैं हम उनको उल्टा बनाएंगे। और देखिए जो एक फंदा है उसको हम इस
तरीके से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में इधर देखिए, जिधर जो फंदा हमारा जिस कलर का है सारे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे, और जो लास्ट का फंदा है उसको हम सीधा बना लेंगे। ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ फिर आगे क्या करना है। मैंने अपना ये सीधी साइड से अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है, और देखिए उल्टी साइड में रखूँ मैं, एक दो, जो हमारे तीन फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बना लेंगे। और देखिए तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद अब देखिए हम मुझे टोटल 9 फंदे इधर रेड कलर से करने हैं। 2, 4, 6, 7, 8, 9 9 फंदे हो गए। 3 फंदे हमारे पास पहले से थे, 5 फंदे मैंने इधर से और ले लिए येलो कलर से। 2, 4, 5 अब देखिए एक फंदा हमें येलो कलर से बनाना है। एक फंदा बना लिया, 2 फंदे मुझे रेड कलर से बनाने हैं। 1, 2 2 फंदे येलो कलर से बनाऊंगी, और 2 फंदे फिर से रेड कलर से। और अब देखिए जितने हमारे टोटल फंदे हैं उन सबको हम येलो कलर से बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। देखिए इस तरीके से राउंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। जितने हमारे पास रेड कलर के धागे हैं हम उन सबको रेड कलर से बना देंगे इस तरीके से। और ये देखिए सीधी साइड आ गई हूँ मैं इसके। सीधी साइड आने के बाद में जो फंदा हमारा जिस कलर का है, जितने फंदे हैं मैं उसी कलर से बना के कंप्लीट करना है इस तरीके से। रेड कलर है मेरा तो मैं रेड कलर से बना दूंगी, धागे को पीछे लेके जाऊंगी इस तरीके से, और ये येलो कलर का धागा आगे लेकर आऊंगी अपनी साइड में। इसको मेरे जितने फंदे हैं सभी येलो कलर से बना दूंगी। तो मैं राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया। राउंड कंप्लीट करने के बाद अब देखिए अब हमें यहाँ क्या करना है। देखिए इधर जो हमारे रेड कलर के फंदे हैं 2, 4, 6, 8, 9 9 फंदे हैं, तो 9 फंदों में से मैं 6 फंदे यहाँ घटाने। तो घटाने किस तरीके से, ये देखिए 2 फंदे हैं उल्टा बनाएंगे इन्हें, तो ये 2 का 1 हो गया, एक फंदा हमारा घट गया। जो हमारी राइट हैंड की सिलाई का फंदा है उसको भी हम लेफ्ट हैंड की सिलाई में डालेंगे। फिर से 2 घटाएंगे तो हमारे 2 घट गए। फिर से घटाएंगे 3, 4, 5 ये 6 6 फंदे इस तरीके से हमारे घट गए यहाँ। अब देखिए 1, 2, 3 ये 3 फंदे इधर हमारे बचे हैं। तो अब देखिए एक फंदा ये हमारा येलो कलर का है, धागे को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके धागे को पीछे करेंगे, और एक फंदा यहाँ इंक्रीज करेंगे यानी बढ़ा लेंगे। तो 2 फंदे हो गए हमारे इधर, और 2 फंदे हम येलो के बनाएंगे, सॉरी रेड के। 2 फंदे येलो के बनाएंगे, फिर से 2 फंदे रेड के बनाएंगे, और फिर से देखिए हमारे जितने फंदे येलो के हैं सारे फंदे येलो से बना लेंगे इस तरीके से। और अब देखिए ये हमारा रेड कलर है, ट्विस्ट करेंगे 1, 2 हम जिस तरीके से 2 फंदे हर बार छोड़ते आ रहे हैं उसी तरीके से हम 2-2 फंदे इस बार भी छोड़ेंगे। 2 फंदे बचे हैं हम बिना बुना छोड़ देंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। और देखिए टर्न करने के बाद जो फंदा हमारा जिस कलर का है उस फंदे को उसी कलर से हम उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे, और लास्ट का जो हमारा फंदा है। देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर लिया, राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं उल्टी साइड में हूँ तो उल्टी साइड में 3 फंदे उल्टे उल्टे रेड के बनाऊंगी। देखिए 2 फंदे हैं इधर, ट्विस्ट करेंगे धागे को इस तरीके से पीछे लेकर जाऊंगी, और एक फंदा इंक्रीज कर लूंगी बढ़ा लूंगी। तो हमारे यहाँ 3 फंदे हो गए, 2 फंदे रेड के बनाऊंगी इस तरीके से, 2 फंदे येलो के बनाऊंगी, और फिर से देखिए 6 फंदे
फंदा किसी तरीके से बढ़ गया है तो मैं इसको साथ में ही घटा दूँ। मैंने इस तरीके से छह फंदे हमारे रेड के बन गए, एक दो तीन चार पाँच छह। अब देखिए पांच फंदे मेरे पास येलो के हैं तो पांच फंदे में येलो से बना दूंगी। पांच फंदे येलो से बनाने के बाद पीछे से इधर से फिर दो फंदे में छोड़ दूंगी, यानी हमारे चार फंदे छूट जाएंगे। दो छोड़ दिए थे पिछली बार, दो अब की बार छोड़ूंगी। इस तरीके से फिर टर्न कर लूंगी वर्क को अपने को। टर्न करने के बाद देखिए हमारे जो फंदे, जितने फंदे हमारे जिस कलर से हैं, हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करके लास्ट में आ गई हूँ। जो मेरा बैक साइड है उसे हम इस तरीके से करेंगे। तीन फंदे हैं, तीन फंदों को हम उल्टा करेंगे इस तरीके से, और देखिए इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और धागे को पीछे ले जाते हुए एक फंदा हम इस तरीके से बढ़ाएंगे। टोटल पांच फंदे हमारे इधर हो जाएंगे इस तरीके से। तो अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब जितने भी हमारे पास ये जो लास्ट के फंदे हैं इनको छोड़ के जितने हमारे यहाँ फंदे हैं हम सबको येलो कलर से बना देंगे इस तरीके से। देखिए जो मेरा रेड कलर का धागा वो इधर है तो मैं इसको ट्विस्ट करते हुए इधर लेकर जाऊंगी ऊपर इस तरीके से। दो दो तीन तीन फंदों के बाद में येलो कलर के धागे के ऊपर इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए मुझे रेड कलर तक इसको लेके जाना है। तो देखिए जो इधर मेरे तीन फंदे रेड से वो मैंने रेड से बनाए और बाकी के बीच के फंदे मैंने सारे येलो से किए हैं, और जो मेरे इस साइड के जो रेड कलर से हैं वो भी मैं रेड कलर से ही कर रही हूं। जैसे मेरा ये स्वास्तिक हमने बनाकर अपना कंप्लीट कर लिया है, तो देखने में जिस तरीके से ये दिखाई देगा, आप देखिए जहाँ यहाँ हमारी चार सलाइयाँ हैं उल्टी उल्टी वो हमें कंप्लीट करनी है। चार सलाइयाँ जो हमारी रेड कलर से हैं वो हम रेड कलर से करेंगे, और ये तीन फंदे भी हमें रेड से करने हैं। बाकी जो हमारे जितने फंदे येलो कलर से हैं वो हमें चार सलाइयाँ भी येलो कलर की कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करके मैं आपको दिखा दी थी आगे इसमें, तो देखिए मैं इसमें चार सलाइयाँ कैसे कंप्लीट करूँगी मैं वो आपको यहाँ से बता देती हूँ। तो स्टार्टिंग के मेरे तीन फंदे हैं, तीन फंदे उल्टे ही बनेंगे। यहाँ मुझे टोटल नौ फंदे अपने रेड कलर के करने हैं, तो तीन फंदे हैं, चार पाँच छ सात आठ नौ, और बाकी के फंदे येलो करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सारे फंदे हमने येलो से कर लिए। अब देखिए रेड कलर है, रेड में हम रेड लगाएंगे, और जो लास्ट के दो फंदे हैं उन्हें हम बिना बुना छोड़ देंगे जैसे हम हर बारी करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने दो फंदे छोड़ दिए और वर्क को टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद फिर से रेड को रेड से बनाएंगे, येलो को येलो से बनाएंगे, और जो फंदे जिस कलर के हैं उस कलर से उल्टा बनाते हुए उसको कंप्लीट करेंगे। जो लास्ट का फंदा है वो हमारा, देखिए मैंने अपनी ये साइड पूरी कंप्लीट कर ली है, मैं उल्टी साइड में हूँ। नौ फंदे ये देखिए हमें घटाने हैं, जैसे मैंने आपको इधर बताया था किस तरीके से घटाना है। ये दो फंदों का हम एक कर देंगे उल्टा ही बनाते हुए, ऐसे किया एक फंदा कम हो गया हमारा, फंदे उसी में डालेंगे, दूसरा घटाएंगे, तीसरा घटाएंगे, इस तरीके से फंदे को वापस उसी में डालेंगे, चार घटाएंगे, पांच, ये छह हो गए। दो हमारे बचे, एक हमारी इधर सलाई में है, तो हमारे तीन फंदे हमें वापस मिल गए। तीन फंदे बनाएंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। और देखिए अब हमें यहाँ अपना दूसरा कलर ज्वाइन करना है और येलो कलर अपना कट कर देना है। अब इधर
देखिए ये हमारा जो बेस था, इधर हमारा येलो कलर का बेस मैंने बनाया है और जो मुझे दूसरा बेस बनाना है वो ग्रीन कलर से बनाना है। तो ग्रीन कलर से अपना बेस बनाने के लिए येलो कलर हमें यहाँ से इस तरीके से कट करना पड़ेगा। तो मैं येलो कलर को हटा दूंगी और ग्रीन कलर इसमें लगा दूंगी। देखिए ये मेरे पास ग्रीन कलर है, मैं इसको इसमें ज्वाइन करूंगी। ट्विस्ट कर देंगे रेड कलर के साथ में इसको और ग्रीन कलर से आगे की पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। राइट सीधी साइड में हूँ, सीधी साइड से मेरे जितने फंदे ग्रीन के हैं ग्रीन कलर से बना लूंगी और जितने फंदे रेड कलर से हैं सारे रेड कलर से बना लूंगी। लास्ट का फंदा है उसको सीधा बना दूंगी इस तरीके से और फिर से देखिए एक राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करना है। जो रेड से हैं वो फंदे रेड से बनेंगे और जो फंदे मेरे ग्रीन कलर के हैं वो ग्रीन कलर से हैं, वो कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपको क्या। बैक साइड में हूँ तो बैक साइड में हम एक फंदा इधर इंक्रीज करेंगे इस तरीके से बैक में लेकर जाएंगे। इंक्रीज करने के बाद हम सारी सिलाइयां ग्रीन से बना देंगे, सारे फंदे हम ग्रीन से बना देंगे और जितने फंदे हमारे रेड के हैं उतने फंदे हम रेड से बना देंगे। और देखिए राइट साइड से हम डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। ये देखिए हम इसके राइट साइड में आप देखिए हमें करना क्या है। राइट साइड में जिस तरीके से मैंने एक दो यहाँ मैंने चार सलाइयाँ बनाई हैं, ये दो मेरी ये फली दिखाई देती है आपको उल्टी सलाई की, टोटल चार सलाइयाँ हैं, दो चार सलाइयाँ ही इधर हैं, इधर भी मेरी दो फली दिखाई देती है। तो दो फली के बाद आप मेरी वीडियो को रिमाइंड करके देखना जिस तरीके से हमने ये स्वास्तिक बनाया ठीक उसी तरीके से हमें नेक्स्ट में जो हमारा बेस है ग्रीन कलर का उसमें स्वास्तिक बनाना है और फिर उसके बाद में हम येलो बनाएंगे फिर ग्रीन बनाएंगे। आपको जितना बड़ा घेरा रखना है जितने आप इसमें कलियां जोड़ देंगी ये घेरा उतना ही बड़ा बनता जाएगा। तो चलिए ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी ड्रेस पूरी कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से इसका घेरा देखिए कितना परफेक्ट तरीके से इसका घेरा एकदम बनकर आया है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कितनी कलियां मैंने बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसमें 8 कली मैंने बनाई है और देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेच कर देंगे। ये अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से इतना ओपन करके इतना और इसको यहाँ तक ये इतना इसको सिल भी सकती है, नहीं तो आप इसको ओपन भी रखेंगी तो और भी अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि कान्हा जी को एकदम परफेक्ट है तो आप इसको यहाँ से सिल दीजिए और इतना इसको ओपन कर लीजिए जिसके आपको पहनाने में आसानी हो। तो देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से मेरी ये ड्रेस बनकर आई है। तो चलिए अब इसकी मैं आपको चोली बताती हूँ कि चोली किस तरीके से बनेगी। तो चोली बनाने के लिए ये देखिए मैं बिल्कुल सेम जो मैंने कलर इसमें यूज किए हैं ग्रीन येलो और रेड वही कलर मैं इसमें यूज करूंगी। तो चलिए बनाते हैं अपनी चोली। तो देखिए फ्रेंड्स चोली बनाने के मैंने 14 फंदे अपनी सिलाई में डाल लिए हैं। सिलाई में फंदे डालने के बाद में ये देखिए अब इसमें मैं पहली सिलाई उल्टी बना लूंगी इस तरीके से। और इसके जो बाद की जो दूसरी सिलाई है वो भी मैं उल्टी बना लूंगी। तो दोनों तरफ से हमें ये उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो इसमें पहली सिलाई और दूसरी सिलाई दोनों उल्टी कंप्लीट करके
देखिए दोनों सिलाई मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है, सीधी और उल्टी भी, दोनों तरफ से मैंने उल्टा उल्टा किया है। और अब देखिए दो फंदे मैं उल्टे बना लूंगी, इस तरीके से दो फंदे उल्टे बनाऊंगी स्टार्टिंग में, और लास्ट में भी हमें दो फंदे इधर उल्टे बनाने हैं, ये दो फंदे इधर के, दो फंदे हमने उल्टे बना लिए। अभी देखिए जितने हमारे फंदे हैं 2, 4, 6, 8, 10, हमें 10 फंदों पर डबल करने हैं अब सारे फंदे। अब वो डबल फंदे हम किस तरीके से करेंगे, कैसे हम फंदे बढ़ाएंगे, तो देखिए इस तरीके से उल्टा फंदा है, ऐसे हमने उल्टा फंदा बनाया, उसको निकालेंगे नहीं, पीछे धागा किया और इस तरीके से एक फंदा हमने बढ़ा दिया। फिर से हम अपनी तरफ करेंगे, उल्टा बनाएंगे, फंदे को निकालेंगे नहीं, ये सीधा बना दिया, उल्टा बनाया, पीछे किया धागे को, इस तरीके से हम इसमें लास्ट के दो फंदे तक बढ़ा लेंगे। ये देखिए सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है, सारे मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं, बस अपने फ्रंट के दो फंदे, लास्ट के दो फंदे छोड़कर जो मैंने सादा निकाले थे, ऐसे ही दो फंदे बिना फंदा बढ़ाए बनाए थे, दो फंदे इधर से, दो फंदे इधर से, और बाकी जो 10 फंदे थे उसमें हर एक फंदे पे मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। अब देखिए बैक साइड है ये सिलाई, जो उल्टी सिलाई है उसको मैं उल्टी ही बनाऊंगी पूरी, इस तरीके से, इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी मैं, इस तरीके से, इसी तरीके से बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए दूसरी सिलाई स्टार्ट कर दी मैंने, इसको भी मैं प्लेन बनाऊंगी, एकदम सादा बनाऊंगी इसको भी, इस तरीके से, और एक सिलाई पीछे से, यानी कि एक ये राउंड और एक पीछे से राउंड, ये दोनों राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ही कंप्लीट करेंगे इसको, से भी पूरा हम उल्टा ही बनाएंगे क्योंकि हमारी ड्रेस भी उल्टी सिलाइयों से बनी हुई है। कंप्लीट होगी पूरी, और देखिए कंप्लीट होने के बाद मैं दो फंदे फिर से मैं सादा बनाऊंगी, ऐसे ही उल्टे बनाऊंगी बिना फंदे बढ़ाए, इस तरीके से दो फंदे मैंने स्टार्टिंग में बनाए हैं और दो फंदे मैं लास्ट के बनाऊंगी। अब देखिए जो मेरे बीच के फंदे, जो मैंने 10 फंदे थे, 10 फंदे पे बढ़ा के मैंने हर एक फंदे में एक फंदा बढ़ाया, तो मेरे 10 के 20 हो गए। अब मैं 20 के ऊपर 40 फंदे करूंगी, देखिए फिर से देखिएगा, बता देती हूँ एक बार, उल्टा बनाया, पीछे किया धागा और इस तरीके से सीधा बना दिया, उस फंदे को उतार देंगे, फिर से अपनी तरफ किया, उल्टा बनाया, पीछे किया और इसको सीधा बना दिया, आगे किया, उल्टा बनाया, फंदे को उतारेंगे नहीं, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे, इस तरीके से, तो हमारे हर एक फंदे में एक फंदा इसमें बढ़ जाएगा। और इसको सिलाई को कंप्लीट करने के बाद में फिर से हम दो सिलाइयां इसमें एकदम बिना फंदा, कोई फंदा बढ़ाए इसको बना लेंगे, सादा सिलाई दोनों उल्टी उल्टी करके बना लेंगे। तो देखिए सिलाई मैंने अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है, राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसमें दूसरा कलर हम ज्वाइन करेंगे, और एक चीज और आप ध्यान रखिए, जब भी हम इसमें दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे तो हमें उल्टी साइड से ज्वाइन करना है, सीधी साइड से उसको जोड़ेंगे नहीं, सीधी साइड से ज्वाइन नहीं करेंगे हम, हमेशा उसको उल्टी साइड से ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले ग्रीन कलर दूंगी, देखिए जो मेरी ड्रेस में है, सेम कलर से बनाएंगे पूरी सिलाई, ग्रीन से कर लेंगे,
सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पूरी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और कंप्लीट करने के बाद में अब मैं अपनी राइट साइड में हूँ, तो राइट साइड से भी हमें पूरी सिलाई उल्टी ही करनी है। कंप्लीट करने के बाद में फिर हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। ठीक है पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसमें अपना येलो कलर फिर से ज्वाइन करूंगी। दो सिलाइयां येलो कलर से बनाऊंगी, फिर उसके बाद में रेड कलर ज्वाइन करेंगे। ठीक है ये देखिए इस तरीके से इसको उल्टा करते हुए हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से बना लेंगे। उसके बाद में फिर हम अपना अपना जो हमारा थर्ड कलर है वो ज्वाइन करेंगे। देखिए अब मैं अपने वर्क के एंड में हूँ और एंड में आने के बाद मैं इस तरीके से इसको टर्न कर लूंगी। टर्न करने के बाद में जो हमारा थर्ड कलर है, जो हमारा तीसरा कलर है रेड कलर, अब मैं उसको ज्वाइन कर लूंगी इस तरीके से। इन दोनों धागों को एक साथ इस तरीके से चलाऊंगी जिससे मेरे धागे स्लिप ना हो, निकले ना। धागा मेरा यहाँ तक आ गया, एक फंदा और इससे बना दूंगी। अब जितना धागा बचा है उसको मैं इस तरीके से कट कर दूंगी यहाँ से। देखिए हमारा कहीं से भी इसमें जॉइंट दिखाई नहीं देता, ना ही हमारा धागा दिखाई देता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसकी भी हम दो सिलाइयां निकाल लेंगे। दो सिलाइयां बनाने के बाद में फिर मैं आपसे, अब देखिए फ्रेंड्स मैंने एक सिलाई इसमें कंप्लीट कर ली है रेड कलर से। अब देखिए यहाँ हम आर्म होल अपने बनाएंगे और बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आर्म होल इसमें बनेंगे सिलाई से। तो देखिए उल्टे में 6 फंदे इसमें बनाऊंगी, 2, 3, 4, 5, 6। और देखिए 6 फंदे बनाने के बाद एक फंदा मैं इसमें और बनाऊंगी इस तरीके से, फिर एक फंदा और बनाऊंगी। तो मैंने 2 फंदे इसमें बना लिए। अब देखिए पीछे से इस तरीके से जो हमारा पहला फंदा है हम इसके ऊपर होके ऐसे उतार देंगे उसको। फिर से हम नेक्स्ट फंदा बनाएंगे और इस फंदे को पीछे से लेते हुए इसको बना देंगे। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये टोटल हमारे 10 फंदे इधर घट गए हैं और 10 फंदे घटने के बाद ये देखिए हमारा इस तरीके से ये जुड़ जाएगा, तो हमारा ये आर्म होल बन जाएगा इधर। ठीक है अब देखिए इसमें टोटल मेरे कितने फंदे थे, मेरे 40 फंदे मेरे बीच में थे और 2-2 फंदे मेरे आसपास थे। 4 फंदे थे जो मैंने सीधे बनाए थे बिना फंदा बढ़ाए, 4 फंदे वो थे और 40 फंदे मेरे बढ़े हुए फंदे थे, तो मेरे पास 44 फंदे थे। 44 फंदे में से मैंने 6 फंदे इधर रखे हैं, 10 फंदे मैंने आर्म होल के लिए घटाए हैं। और देखिए 6 फंदे मैं इधर साइड में रखूंगी और 10 फंदे फिर से एक आर्म होल बना दूंगी जो सेकंड आर्म होल बनेगा मेरा, और जो बाकी फंदे बचेंगे उन्हें हम बैक में रखेंगे। बैक में देख लेते हैं हम कितने फंदे बचेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 फंदे मैंने इधर बनाए, एक फंदा मैं और बना लूंगी और इस फंदे को जैसे हमने पहले घटाया इस तरीके से घटा दूंगी। और फ्रेंड्स एक चीज में आप, एक बात और मैं आपको बताऊँ, मैंने इसमें 13 फंदे इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारा जो 13वां फंदा, जो हमारा लास्ट का फंदा है, वो हमारा घटने के बाद आर्म होल की साइड में आता है, तो हमारे बैग में 12 फंदे ही रहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, 9, 10। तो मैंने 10 फंदे घटा लिए हैं और अब मैं इधर देख लेती हूँ, 2, 4 साइड में एक फंदा इधर एक्स्ट्रा कर दिया है इस तरीके से।
छह फंदे हैं हमारे, छह फंदों को हम ऐसे उल्टा बना लेंगे, चार पांच छह इस तरीके से। तो ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो जाती है इस तरीके से, देखिए। मैं फिर से येलो कलर चलाऊंगी और येलो कलर से जोड़ते हुए इसको कंप्लीट करूंगी। इसको थोड़ा टाइट करके खींच के बनाएंगे जिससे हमारा आर्म होल अच्छे से जुड़ जाए। तरीके से हमारी चोली बन जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक सलाई में इसकी और निकालूंगी येलो कलर की और फिर से दो सलाइयां ग्रीन की करके मैं आपको फिर इसको बंद करना बताऊंगी किस तरीके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें दो सलाई अपनी येलो कलर की और बना ली है। तो अब हम इसको बंद करेंगे। तो देखिए किस तरीके से बंद करेंगे। बंद करने का हमारा तरीका वही है जिस तरीके से मैंने इसके आर्म होल घटाना बताए थे कि आर्म होल को हम किस तरीके से बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। बाकी और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक फंदा है, हम इस तरीके से बना लेंगे उसको, दूसरे फंदे को बनाएंगे और इस तरीके से पीछे से लेके इसको इसके ऊपर होके उतार देंगे, दूसरा बनाएंगे इस तरीके से, सलाई में लेंगे और फंदे को उतार देंगे, नेक्स्ट फंदा बना के इस तरीके से उतारेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे फंदे बना के अपने बंद कर लेने हैं। बंद करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि चोली को हम ड्रेस पर किस तरीके से सेट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, चोली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है कान्हा जी की। अब हम इसको इस तरीके से अंदर से निकालते हुए मैं धागे को कट कर दूंगी इस तरीके से। प्यारी से हमारी चोली बनी है कान्हा जी की, एकदम खुश हो जाएंगी कान्हा जी पहन के इसको। ये देखिए, अब देखिए मैं आपको इसको सेट करना बताऊंगी कि हम किस तरीके से करेंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस है जो हमने बनाई थी, सेम कलर मैचिंग से मैंने ये चोली बनाई है। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं खाली, कि जैसे हमने नीचे से घाघरा बना दिया कान्हा जी को और ऊपर से हम चोली बनाएंगे, और इधर आप अपने घाघरे में कान्हा जी के घाघरे में यहाँ डोरी लगा सकती हैं। अगर इसको ओपन करना चाहते हैं तो ये भी ओपन हो जाएगी, अगर नहीं तो आप इसमें इधर इस तरीके से डोरी या टिच बटन आप जो भी लगाना चाहती हैं वो लगा सकती हैं। इस तरीके से हमारी चोली आ जाएगी कान्हा जी के, इस तरीके से हमारी ड्रेस आएगी। और नहीं तो आप इस चोली को इस तरीके से भी यहाँ रखिए ऐसे, और ऐसे घुमाते हुए इसको सिल दीजिए। कुछ इस तरीके से चोली, ये हमारा सेंटर है इसका, इस तरीके से हमारी चोली आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरी कान्हा जी की ड्रेस का अगर डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक बेल आइकन आप नहीं दबाओगे तब तक मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी और मुझे आपका सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।